I have lots of questions for you. It'll be like, you know, kind of a, like a rapid fire round, but not that rapid. So a bit slower. I understand. And do you understand Hindi and can you speak in Hindi? Like if possible? Hindi बोलते हो ना आप? हाँ, क्योंकि जो लोग पंजाबी से मिक्स्ड हो जाता है फिर वो हिंदी. कोई बात नहीं, चलता है. मेरे को पंजाबी समझ आती है. मेरी वाइफ पंजाबी है. Oh, you mean Ruchi Maheshwari and not Neha Mehta? Right. Achha, you have seen that video? I have seen every video. Oh, that's good. That's good. And you're based out of? आप कहाँ से हैं? अभी मैं वेस्ट लंदन रहती हूँ. अच्छा, लंदन में है. तो मुझे आपसे पूछना था, जब हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो you seem like a very sorted out person, है ना? So उस वो चीज थोड़ा hard होती है relate करने से. उस चीज से रिलेट नहीं होता जब आपको लगता है कि कोई परफेक्ट है, उस चीज से रिलेट नहीं होता. तो आप मुझे बताइए कि अभी इस वक्त आपकी आपके हिसाब से सबसे वर्स्ट क्वालिटी क्या है और आप उसको चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं? सो मेरे अंदर जो वर्स्ट क्वालिटी है वो है कि आई एम बेसिकली अ परफेक्शनिस्ट. मेरे को बहुत ज़्यादा होता है कि मैं एक एक काम को या जो भी कुछ कर रहा हूँ वो सब कुछ बिल्कुल परफेक्शन से हो, एक एक चीज़. तो अब अगर मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूँ उसको परफेक्ट बनाने के लिए, इन रियल लाइफ परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब दैट इज द हार्ड रियलिटी विच इज देयर. लाइफ इज इम्परफेक्ट, एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट. तो वो एक अपने आप में ट्रैप बन जाता है. तो उसमें मुझे क्या करना होता है, मुझे लेट गो करना होता है. कि जब मुझे नजर आ रहा होता है कि बस अब मेरी लिमिट यहीं तक है, या मेरे थॉट की या मेरी बॉडी की लिमिट यहीं तक है, तो देन आई जस्ट लेट गो एंड आई सरेंडर. तो फिर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ. वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिलैक्स स्टेट में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा डीप में चला जाता हूँ. मतलब ये एक मेरी प्रॉब्लम है. जैसे होता नहीं है कि कुछ लोग होते हैं उसमें उलझ जाना. नहीं, मैं उलझता नहीं हूँ, उसको उलझना नहीं कहेंगे. मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत डीप में चला जाता हूँ. जैसे आप अगर मेरे से किसी भी टॉपिक के बारे में बात करोगे, या इफ आई एम क्यूरियस अबाउट समथिंग, मेरे अंदर क्यूरोसिटी बहुत ही ज्यादा है बचपन से ही. तो अगर मेरे को मेरे अंदर कोई क्यूरोसिटी आ जाती है कि ये क्या है, वो क्या है, या फॉर एग्जाम्पल ये जो क्यूरोसिटी आई थी आज से कुछ साल पहले, दैट वॉज हु एम आई. बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, कोई पूछता भी नहीं है आज के टाइम में, कोई सोचता भी नहीं है. वो कहते हैं कि जो दिख रहा है शीशे में वही मैं हूँ, जो मेरा नाम है वही मैं हूँ. इसमें सोचना क्या है, इसमें पूछना क्या है? बट ये क्यूरोसिटी मेरे अंदर आई, तो आई वेंट सो डीप इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि मुझे कई साल लग गए इस क्वेश्चन के साथ में. तब जाकर के अंदर से आंसर्स निकलने लग गए. तो आप कह सकते हो कि ये एक वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है. वीकनेस मेरे लिए है, स्ट्रेंथ औरों के लिए है. क्योंकि वीकनेस मेरे लिए क्यों है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि एक प्रेशर क्रिएट होता है व्हेन यू आर गोइंग डीपर डीपर डीपर. अपनी साइकोलॉजिकल लेयर्स को हटाना, डीपली जा करके देखना माइंड में क्या चल रहा है, किस लेवल पे क्या हो रहा है, कॉन्शियस में क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस में क्या हो रहा है. तो वो उनके लिए तो अच्छा है जो मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आप रिलेट कर जाओगे, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे मिल जाएगा. तो जो सुन रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, बट मेरी वॉट लग जाती है. वॉट इन द सेंस, यू अंडरस्टैंड वॉट लग गया ना? मुझे पता है, मुझे पता है. अच्छा, पता है. YouTube चैनल देखती हूँ इसलिए. अच्छा, वॉट लग जाने का मतलब होता है कि मतलब मेरी हालत खराब हो जाती है. मतलब आप सोच के देखो ना, कई दिनों तक मैं एक थॉट के साथ में ठहरा हुआ हूँ, या किसी क्वेश्चन के साथ में ठहरा हुआ हूँ कि जैसे हम बिहेव करते हैं क्यों करते हैं, या एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का मतलब क्या, एक रिलेशनशिप में लड़ाई क्यों होती है, उसकी जड़ क्या है. तो अगर ये क्वेश्चन मेरे अंदर आया तो मैं उसको आसानी से नहीं छोड़ता हूँ. कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक उस क्वेश्चन के साथ में रहता हूँ. तो जब रहता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है. बट वही कहते हैं ना, नो पेन नो गेन. मतलब हाँ, तो आई एम रेडी टू बियर दिस पेन ताकि लोगों का बेनिफिट हो सके. क्योंकि अगर मेरे, मैं खुद ही डीप में नहीं गया हूं और मैंने खुद ही एक प्रॉब्लम को नहीं समझा है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को कैसे समझूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा? वो मेरे अंदर कंपैशन कहां से आएगा? मैं तो ऊपर ऊपर लेवल से सुनूंगा. अब आप जैसे ही कुछ बोलोगे मैं कनेक्ट कर जाऊंगा, बिकॉज वट एवर यू विल से वो हो सकता है, हो क्या सकता है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर उसके आंसर तक पहुंचा. तो मैं आपकी भी थॉट प्रोसेस को समझ सकता हूँ किसी भी लेवल पे. आप किसी भी लेवल का मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, आई विल बी एबल टू रिलेट टू इट. तो ये एक मेरी वीकनेस है. बहुत अच्छी वीकनेस है सर मेरे हिसाब से. तो मेरी वीकनेस है, मुझसे खाना बंद नहीं होता है, मुझे जो दे दो मैं खाती रहती हूँ. ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने बहुत रीडिंग करना शुरू किया, और वहाँ पे ना मैंने एक रूमी की सिलेक्टेड पोएम्स कहीं रीड की. और जो रूमी है वो हमेशा बात करते हैं कि
he talks about an escape. But jab, you know, Bhagwan or the universe, jab unhone hamein is life mein dala hai, wo ek ek is world ko experience karne ke liye dala hai na, to phir what do we need to escape from? Or ye zaruri hai ki hum, you know, like meditation, it's a good tool to calm yourself, get to know yourself. But kahi log kehte hain ki, you know, wo hamesha hi meditate karte rehte hain. And do you think that that's wasting your life away and not doing anything about your life? देखो, इसको थोड़ा सा आराम से समझना पड़ेगा. अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा है थोड़ा सा डीप है, तो अब हमको साथ साथ इस क्वेश्चन की डेप्थ में चलना पड़ेगा. आर यू रेडी फॉर इट? डीपली समझने की कोशिश करें. नाउ वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ना एस्केप, बिकॉज रूमी स्टैंड्स फॉर लव. उनकी अगर आप पोएट्री को सुनोगे या पढ़ोगे तो उसमें ये लव वर्ड आपको बार 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 नजर आएगा. तो वो किस प्यार की बात कर रहे हैं? इज ही टॉकिंग अबाउट द लव एट द फिजिकल लेवल या समथिंग विच इज बियॉन्ड? और वो जो बियॉन्ड है, क्या वो एक एस्केप नहीं है? जब हम पूरे दिन काम करते हैं और थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं, मेंटली भी थक जाते हैं, उस वक्त हमको क्या चाहिए होता है? कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, काम नहीं चाहिए होता. हमें काम से एस्केप करना होता है. मतलब काम की एक लिमिट है, एक टाइम होता है काम करने का. जैसे जागने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है. तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जब फिजिकली बहुत थक जाते हैं, पूरे दिन थक गए हैं, तो हम सोना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू गो इन अ डीप स्लीप, है ना? और वो नींद क्या है अगर एक एस्केप नहीं है तो? एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग. मतलब हर कोई अपनी नींद से प्यार करता है. इसका प्रूफ यह है कि जब सुबह हमें उठना होता है तो हर कोई अपने अलार्म में स्नूज का बटन दबा देता है और कहता है 10 मिनट और, 15 मिनट और. इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि हमें सबसे ज्यादा प्यार जिंदगी में जागने से नहीं है, जागने से भी ज्यादा प्यार सोने से है. सोते वक्त ऐसा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है. यू कैन कॉल इट एन एस्केप. यू कैन कॉल दैट स्टेट एज कि आप खुद के पास वापस आ गए हो. नींद में आपका जो ओरिजिनल सोर्स है या जो आप एक्चुअल में हो, आप उसके सबसे पास हो, आप खुद के पास हो. आप मर्ज हो गए उस पूरे यूनिवर्स के साथ में. फिर क्या होता है, जागते ही ये मैं क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ सेल्फ. तो वो जो सेंस ऑफ सेल्फ है, वो कुछ नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है जो आपकी अपनी इस बॉडी से है, जिसको ईगो बोलते हैं. ईगो को लोग ये समझते हैं, ईगो का मतलब होता है कि सिर्फ आई एम दिस, आई एम दैट. नहीं, वो प्राइड है, राइट? ईगो मीन्स आई एम दिस. इसको हिंदी में बोलते हैं अहंकार. दैट मीन्स अहम का आकार. अहम मतलब मैं और मेरा ये आकार, मेरी ये फॉर्म है. तो जैसे ही हम अपने आप से आइडेंटिफाई कर जाते हैं इस बॉडी से, तो दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आर प्रॉब्लम्स. वहां से हमारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. और क्या हो जाती है उसको समझने के लिए हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हम अपने माइंड में खुद देख सकते हैं कि हम कैसे फंसते हैं, राइट? किस किस तरह के थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, उनमें कितने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं. एक तरफ से हम कुछ करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते. एक तरफ से एक पर्सन के साथ रहना भी चाहते हैं और उसको छोड़ना भी चाहते हैं. एक तरफ से हम खुद को पसंद भी करते हैं और नहीं भी करते हैं. देयर इज ऑलवेज एन अपोजिट. कुछ करना भी चाहते हैं और डर भी लगता है. तो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. और उस कॉन्फ्लिक्ट में वी गेट स्ट्रेस्ड आउट. इसी को स्ट्रेस बोलते हैं. स्ट्रेस इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट. जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो कोई स्ट्रेस नहीं होता है. तो ये जो ईगो है, दैट इज मैं, ये आप वो, ये एक डिवीजन क्रिएट कर देता है आपके बीच में और मेरे बीच में, मेरे बीच में और इस यूनिवर्स के बीच में, मेरे बीच में एंड सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बीच में. एक डिवाइड ही तो आ गया ना. मैंने अपने आप को अलग कर लिया सबसे. नींद में क्या होता है, मैं सबके साथ में एक हो जाता हूं. तो जो स्पिरिचुअलिटी का असली में मतलब है, जिसकी बात रूमी कर रहे हैं, दैट इज टू एस्केप फ्रॉम द सेल्फ. But that is not a typical escape of an escapist कि जो जाए और जा करके सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए. That is अंदर की दुनिया में आप खुद से फ्री हो गए हो. You are free from this concept of a separate identity, and then you are one with the whole. फिर आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो. फिर आप जो पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, जो हवा चल रही है, सब कुछ हो रहा है. सोचो, सब कुछ हमारे पास होता है, हम फिर भी उसको एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम मैं में ही घुसे रहते हैं और ये मैं बहुत ही लिमिटेड है. Some people when they get into a relationship, they just forget the idea of themselves and they are obsessed with the other person. Right. It's because they've lost the sense of themselves. हाँ. क्योंकि उनको दूसरा वो अच्छा, ज्यादा अच्छा लगता है उनसे.
राइट, अब वो और डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि अब उनका जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो आइडेंटिफाइड हो गया है किसी और के साथ में कि ये मेरा है, ये मेरी है, तो अब वो एक तरह का ऑब्सेशन बन जाता है. कहने का मतलब है जो रूमी बात कर रहे हैं ना, ही इज टॉकिंग अबाउट लव, एंड व्हाट इज लव इफ इट इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग योरसेल्फ, एंड व्हेन इट इज फॉरगेटिंग योरसेल्फ इट इज फॉरगेटिंग द अदर आल्सो. मतलब जब तक तू है और मैं हूं तब तक प्यार नहीं है. हम हैं वही तो प्यार है. कि इफ आई कैन कनेक्ट विद दिस यूनिवर्स, इफ आई कैन कनेक्ट विद द अदर पर्सन, माय लाइफ पार्टनर या जो भी मेरे साथ में है, मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ में अगर मैं ऐसे कनेक्ट हो जाऊं कि वो मैं ही हूं, राइट, तो मेरे मैं की डेफिनेशन में वो भी आ गया, ये भी आ गया, आप भी आ गए, सब कुछ आ गया, ये पूरा यूनिवर्स आ गया. तो अब ये जो मैं है ये इन आइसोलेशन है ही नहीं, यानी मैं है ही नहीं. तो नाउ आई एम अवे फ्रॉम माई सेल्फ बट आई एम कनेक्टेड टू द होल. अब मैं लिमिटेड नहीं हूं, अब मैं इन्फिनिट हूं. और इन्फिनिट को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है और फाइनाइट को खुश करने का कोई तरीका नहीं है. इस सेंस ऑफ सेल्फ को, राइट, इस सेंस ऑफ सेल्फ को जितना भी मिल जाए कम पड़ जाता है. बट इफ यू नो दैट यू आर द यूनिवर्स, रूमी का एक और कोट है, डोंट फील लोनली, द यूनिवर्स इज इनसाइड यू. मतलब आप अपने आप को अकेला मत महसूस करो, ये पूरा जो यूनिवर्स है ये आपके अंदर ही है. नहीं, एक और उनका कोट है वो, इट्स समथिंग लाइक यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द ओशन इन अ ड्रॉप. ओशन इन अ ड्रॉप, राइट. मतलब ये ओशन और ड्रॉप अलग अलग थोड़ी ना है. ओशन में से जो ओशन है उसमें से सारी ड्रॉप्स निकाल दो तो कहाँ है ओशन. राइट, देयर इज वननेस एवरीवेयर. ये जो योगा वर्ड आपने सुना होगा, योगा है ना, योगा का मतलब होता है टू यूनाइट, टू बी वन विद. To be one with what? To be one with the whole. मतलब there is no separate self. That is an illusion. और हम illusion में जी रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि illusion से बाहर निकलो, reality को देखो, जहाँ पर कोई separate कुछ है ही नहीं. सब कुछ interconnected है, सब कुछ interdependent है. And you are one with the whole. You are one with everything and everyone. इस oneness को experience करो. इसी को प्यार कहते हैं, इसी को योगा कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को liberation कहते हैं. इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं. अलग अलग नाम है इसी एक के, जिसका मतलब है कि जुड़ जाना. अभी आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, यू नो, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ यूट्यूबर, यू आर मोटिवेशनल स्पीकर. व्हाट इज द एंड गोल, यू नो, बिफोर यू डाई, व्हाट डू यू वांट टू गिव टू द वर्ल्ड, और व्हाट डू यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड? देयर इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट, जितना भी मुझे चाहिए उससे बहुत ज्यादा मेरे पास में है. There is no as such any kind of selfish desire left in me for that matter. क्योंकि जो भी चाहिए तो उससे बहुत ज़्यादा मेरे पास में है. मतलब there is a feeling of abundance कि भाई अब और कितना और क्या, तो मेरे अंदर वो नहीं है. Sorry to interrupt you, but कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पास है वो, डर लगता है कि आपके पास है जो वो चला ना जाए? नहीं, कभी भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास में जो है वो किसी को नहीं पता है. क्योंकि आप लोगों को क्या दिखता है, आपको दिखता है सिर्फ जो ऊपर ऊपर लेवल पे है. यानी क्या दिखेगा कि एक बिजनेस है, वो सक्सेसफुल है, सेशंस हैं, यूट्यूब है, ये सब नहीं है मेरे पास में. मेरे पास में जो एक्चुअल में है वो है, जो मैं एक्चुअल में हूँ उसके मैं पास में हूँ, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ. तो वो मेरे से कोई नहीं ले सकता है. यानी ये पूरा यूनिवर्स मुझ में है. ये है मेरी जो असली वेल्थ है. दिस इज माई रियल वेल्थ. इसको लेने का कोई तरीका नहीं है. बिजनेस जाता है चला जाए, बिजनेस का क्या है, बिजनेस बंद हो जाएगा, कोई और कर लेंगे. सिंपल है, उसमें क्या डरना है. एंड लाइफ और डेथ क्या होता है कि जब तक है तब तक है, नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट? तो वो सब कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो अब बात आती है कि अब नाउ व्हाट इज इट दैट आई एम लिविंग फॉर. कि अभी भी मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, और मेरे पास कुछ साल बचे हुए हैं जीने के लिए, मे बी 20 साल 30 साल, जितना भी है टाइम मेरे पास में, तो उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ. जो भी कुछ मेरे पास में है, जो रियल है, जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है आने वाली जनरेशन्स के लिए, उस सबको शेयर करना चाहता हूँ. यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर सकता हूँ अपनी लाइफ में एट द लेवल ऑफ माई माइंड, उसको मैं फेस करना चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम इट. लोग आज की डेट में एस्केप करते हैं, कहाँ जाते हैं, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ टाइम पास करते रहते हैं. मैं कभी टाइम पास नहीं करता. कभी मेरे पास खाली टाइम मिलता है तो मैं अकेले में बैठ करके ऑब्जर्व करता हूँ अंदर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है. अगर कोई थॉट आता है तो वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, व्हाट इज अ थॉट,
व्हाट इज माइंड, उसकी क्या लेयर्स है, है ना। तो ये सब चीजों को मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि इससे निकलने का क्या तरीका है। कि कई बार होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कि हम जब माइंड में जाकर के फंस जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता है कि यहां से बाहर कैसे निकले। जैसे आपने शायद महाभारत की कहानियां सुनी होंगी कि ये जो चक्रव्यूह था उसमें वो फंस गया कर गया। तो ये जो चक्रव्यूह है ना, ये कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हम उसमें फंस जाते हैं। तो इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, कि हमारे अंदर जो एक चक्रव्यूह है जिसको तोड़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उससे कैसे निकला जाता है। कि जब एक नेगेटिव स्टेट में हम एंटर करते हैं तो वहां से ऐसे कैसे बाहर निकला जाता है, ये मेरा पैशन है। तो मैं इसको समझता चला जा रहा हूँ, और जैसे जैसे मेरे को समझ आता चला जा रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग और डीप होती चली जा रही है, और उसको शेयर करता चला जा रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के साथ। यही मेरा मकसद है, जब तक भी मैं हूँ, चाहे मैं एक दिन के लिए और हूँ, चाहे एक महीने के लिए, चाहे एक साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए मैं हूँ इस दुनिया में, जो भी कुछ मेरे पास में है, दैट इज माई नॉलेज, माई अंडरस्टैंडिंग, माई एक्सपीरियंस, उसको मुझे शेयर करना है पूरी दुनिया के साथ में, ताकि आने वाली जनरेशन का कुछ बेनिफिट हो सके। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। Thank you so much. Same here. Thanks. Bye. Thank you. Most welcome.